Hi guys, I'm Ashish and you are watching me on MediQuick India. So guys, first of all, I would like to thank you all that you are giving love to my channel. And so I am bringing some new topics for you that is very useful for the JRF exam and all. So जहाँ तक आज की बात है हमारी, तो आज की ये होगी कि DBT JRF जो एग्ज़ाम है जो 14th ऑफ अगस्त को है, ठीक है, तो उसकी फॉर्म जारी है अभी, ठीक है, आप भर सकते हो. और DBT JRF एग्ज़ाम ICMR JRF और CSIR JRF से थोड़ा सा अलग होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होंगे कि आप नहीं कर पाओगे, बट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही डायरेक्ट फिट बैठेंगे आपके फार्मूला पे. अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कर पाओगे. तो मैंने क्या किया है कि आप पिछले 5 साल के DBT JRF के क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया है और फिर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे असेंबल किए हैं जिनसे कि फ्रिक्वेंटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि फार्मूला बेस्ड होते हैं. तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा, जो कि आप DBT JRF एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले बच्चे हैं उनके लिए. और कभी कभी ये CSIR JRF में भी पूछी जाती है, लेकिन आप DBT JRF के लिए फॉलो करें इसको. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो एक अभी DBT JRF की फॉर्म जा रही है और ICMR JRF की फॉर्म जा रही है, बहुत सारे बच्चे जिनकी की पेमेंट पेंडिंग है, प्लीज़ आप मेल करें उनको और नंबर पे कॉल करें और जितनी जल्दी हो सकता है आप सॉर्ट आउट करें, क्योंकि दो तीन दिन ही बचे हैं जबकि फॉर्म के लास्ट डेट है, ठीक है. तो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं बात करूंगा पैटर्न की. तो पैटर्न ये है कि DBT JRF जिसको BET एग्ज़ाम भी कहते हैं, तो इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और पार्ट ए और पार्ट बी दो सेक्शंस होते हैं. तो ये दो सेक्शंस अलग कैसे हैं? जो सेक्शन ए है यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिसाइडिंग होता है और ये कंपल्सरी भी होता है. सो यहाँ पर आप बहुत सोच समझ कर अटैम्प्ट करें. और जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, करने बस 50 होते हैं आपको, ठीक है. तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 नेगेटिव मार्क, दैट इज 0.33 जो है वो आपको नेगेटिव प्रोपोर्शन, अगर बात करूँ तो 33% जो है वो नेगेटिव होता है. अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हो, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 1 क्वेश्चन सही करते हो, तो आपको क्या हो जाएगा, वो नलीफाई होकर 0 हो जाएगा. तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा आप अच्छे से कॉन्शियसनेस दिखाएं और बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं करें, और जितनी बार हो सकते उतनी बार आप उसको रिवीजन करें आपको अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है. जो मैक्सिमम मार्क्स हो गया वो 300 हो गया, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 50 सेक्शन ए से, 50 आउट ऑफ 50 एंड 50 आउट ऑफ 150 सेक्शन बी में, और ईच क्वेश्चन इक्वल टू 3 मार्क्स. तो 3 × 100 इक्वल टू 300, राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स और नेगेटिव के लिए 0.33 प्रोपोर्शन, दैट इज़ 1 मार्क. ओके, तो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप कॉपी करेंगे. अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो यहाँ से आप सीधे ही वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये आपको वहीं पे डायरेक्ट करेगा सीधे ही. ओके, तो कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इरेगुलर है. 2018 में 142 मार्क्स थे जनरल के लिए, और 2019 में 181 थे, और 2020 में 236 थे, जो कि 80% मार्क्स होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर बोल सकते हो आपकी है. तो यहाँ देख सकते हो आप, पहले 50 से भी कम होता था, अब 80 से के आसपास आ गया है, ठीक है. तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो DBT JRF है वो अपने क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल बना रहे हैं. जैसा ICMR में मिलता था उससे भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको DBT में मिलता है. तो इस वाले कंडीशन में आपको क्या करना है कि हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं दिखानी है, बहुत सिंपल से सोच समझ के आप आंसर करोगे, और जितनी बार हो सके आपको अगर 3 घंटे में 15 मिनट भी मिलता है तो आप उसको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे, ठीक है, कि आपने कोई गलत तो नहीं कर दिया हड़बड़ी में आके. तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे कि आप टाइम मैनेजमेंट प्लस रिवीजन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो कि आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है. तो अब बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के पैटर्न की. तो लोग कहते हैं कि जब ये सिंपल है तो आप कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए. तो जो टोटल क्वेश्चन है वो आपको 100 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से आप 90 to 95 क्वेश्चंस तो करो ही. अगर आपको पिछले साल जैसा क्वेश्चन मिलता है, मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम पे, आप @MediQuickMeIndia जैसे ही आप वहाँ पे लिखोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप सब्सक्राइब करोगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर 2016 to 2019, ठीक है. तो वो इनफ रहता है, अगर आप उसको थोड़ा सा अगर रन थ्रू भी करोगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वो. सेक्शन ए जो कि फ्लेक्सिबल है इन टर्म ऑफ अटैम्प्ट, अगर आप उसमें से कर रहे हो तो सेलेक्ट करके आप करो, ठीक है,
क्योंकि वो एक डिसाइडिंग होता है, उस वही डिसाइड करता है कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है। क्योंकि सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको 33% क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जैसे कि 150 है तो उसमें से 50 करना है, तो वहाँ पे आपको एक क्रिस्प निकालना होता है कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ आप आंसर दे सकते हो। तो उन क्वेश्चंस को निकालो वहाँ से, उनको अटेम्प्ट करो, उनमें मत फंसो जो कि डायलेमा आपको क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा भी डायलेमा कर रहा है तो ये नहीं कि मैं मतलब फिजियोलॉजी का बंदा हूँ तो फिजियोलॉजी ही कर दूंगा चाहे गलती क्यों ना करूं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है फिजियोलॉजी, थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मत करो यहाँ पे, ये आपको डेट्रीमेंटल ही होगा वहाँ पे, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको 90-95 क्वेश्चंस करने हैं। ट्राई करो कि आप सेक्शन बी में ऑल 50 क्वेश्चंस करो, और सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे तो वैसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है, और बाकी तो आपको डिपेंड करता है वहाँ पे कि आपको कैसे रिफ्लेक्स आ रहे हैं क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि सिंपल है या फिर कौन से कैटेगरी में। अगर सिंपल क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको तो आप 90-95 करो, अगर आपको मॉडरेट लग रहे हैं तो 80 करो, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप आराम से जो है आप 70 तक भी जा सकते हो, ठीक है। तो वो आपको वहाँ देख के रिफ्लेक्स आ जाएगा। सेलेक्शंस डिसाइड्स सेलेक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर DBT JRF, बिकॉज ऑल द पीपल हु आर अपेयरिंग इन द DBT JRF एग्जाम हैज़ टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन बी। लाइक 150 क्वेश्चंस है तो वहाँ से 50 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने होते हैं, तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसका फिट बैठ गया वो एग्जाम में फिट बैठ गया, रिजल्ट उसी का आना है, तो ठीक है। तो सो बी चूजी एंड क्लेवर, यहाँ पे आपको अपने आप को बहुत चलाक बनाना पड़ेगा कि आप जाके उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो जिसमें आप 100% श्योर हो, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन को अगर आप देखने में ही लगाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, जो आपको लग रहा है कि नहीं होना है तो उसको आप तुरंत स्किप करो, विद इन सेकेंड में रिफ्लेक्स लो, ठीक है। और 150 में आपको कम से कम तो आपको 2 घंटे देने ही चाहिए, 2 से 2.25 घंटे आपको देने हैं वहाँ पे, तो वो आप देख लो कि आपको 2 घंटे वहाँ पे कैसे निकालने हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए के लिए आप 1 घंटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए 50 क्वेश्चंस आप कर दोगे, बहुत इजी भी होते हैं कुछ। सो ये आपके लिए टॉपिक्स है जो कि जहाँ से कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके आप फॉर्मूला ज़रूर देखना, ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा जब आप 14 अगस्त को एग्जाम में अपीयर होगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट है ग्रोथ कर्व, जो यहाँ के 3-4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं वो पहले बायोटेक के होंगे, फिर उसके बाद जेनेटिक्स स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद सिंपल रेडियो एक्टिविटी वगैरह जो है बायोकेमिस्ट्री की क्वेश्चंस होगी, फिर उसके बाद अलग अलग आएंगे आपको, ठीक है। तो ग्रोथ कर्व में आपको सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रोथ रेट देखना है, जो फॉर्मूला स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का है तो वो आपको देखना है कि माइक्रोबियल ग्रोथ रेट में स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, कितने नंबर डालेंगे तो कितना मल्टीप्लाई होकर कितने टाइम में आएगा, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से देखो और जितनी बार हो सके इस पे आप प्रैक्टिस करो, 1-2 क्वेश्चंस डाल के ईजी होंगे, बट आपको फॉर्मूला में वैल्यूज़ फिट करने हैं, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वैल्यू फिट नहीं हो पाएंगे, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला याद करना। आप एक चार्ट बनाओ, सारे फॉर्मूला असेंबल करो और उसको अपने आप से आप लिख के एक अच्छे जगह पे जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे आप चिपका दो, वो हमेशा आपको याद रहेगा। बायो रिएक्टर्स में आपको एजिटेशन और टेम्परेचर का जो है, जो RPM और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखते हैं, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये प्लीज़ जाके देखना। फैट बैच फर्मेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फर्मेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें आपको एफिशिएंसी और फ्लो रेट फ्लो वेलोसिटी पे आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, इसका एक फॉर्मूला फ्लो रेट और फ्लो वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ द लाइक इनफ्लो एंड आउटफ्लो का जो पाइप होता है उसका भी है, तो ये सब आप देख लेना। लिंकेज मैप में आपको सेंटी मॉर्गन में जो डिस्टेंस निकालने के लिए देते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लिंकेज मैप को अच्छे से पढ़ना। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में आपको प्लाज्मिड है उसका भी दे सकते हैं, या फिर आपको स्ट्रेट जो क्रोमेटिन बोलते हो आप, जिसको लीनियर क्रोमेटिन बोलते हो, उसको भी एक कट करके आपको फ्रैगमेंट्स दे देंगे और फ्रैगमेंट्स का लेंथ निकालने के लिए बोल देंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग आप प्लाज्मिड और जो लीनियर DNA है दोनों के ही आप देखना। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में बेसिकली आप एलील फ्रिक्वेंसी से स्टिक करना अपने आपको, और सारे फॉर्म बहुत सारे प्रैक्टिस करो, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के तो बहुत ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जो टॉपिक्स मैं 20 आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 20 आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपको 25-30 क्वेश्चंस हो गए, उसके आगे कुछ होगा ही नहीं, वहाँ पे 25-30 फिक्स हो गए आपके, ठीक है। जो उसके बाद इन्फेरेंस एंड कोइंसिडेंस, ये भी लिंकेज का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप जो फॉर्मूला वो करते हो डबल हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड के बीच में चांसेस जो होते हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स के, उसको निकाल के आप इन्फेरेंस और कोइंसिडेंस निकालते हो, तो ये फॉर्मूला ज़रूर देखना आप, ठीक है। इसके अलावे पेडिग्री एनालिसिस में ऑफ स्प्रिंग्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि इन्फेक्टेड चाइल्ड बोल देते हैं कितने प्रोपोर्शन हैं या कितने परसेंट इन्फेक्टेड होंगे, आपको वहाँ फैमिली ट्री बना के दे दिया
ठीक है, पेडिग्री दे दिया, पेडिग्री से आपको चूज़ कर निकालने हैं कि आप इंटरप्रेट क्या कर पा रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेडिग्री तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, CSIR के लिए भी है, ICMR के लिए भी है, DBT के लिए भी है, तो इसको आप उसी तरह से करना। अब कैलोरीमेट्री में एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं, प्रोटीन कितने ओडी पे और जो DNA है वो कितने ओडी पे अपनी रीडिंग देता है वो भी आपको याद रखना है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको देखने हैं। इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स में MM इक्वेशन जो है माइकलिस मेंटेन वाला वो आपको देखना है। रेडियो एक्टिव डीके में बेसिकली आप हाफ लाइफ याद रखना कि कितने हाफ लाइफ अगर दे देंगे आपको, पूछेंगे कितने में ये पूरा डीके हो जाएगा या फिर फुल डीके टाइम दे दिया आपको हाफ लाइफ पूछ लिया, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको देखना। 13 नंबर में स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ कैटालिसिस ये ज़रूर देखना आप, कैटालिसिस का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी का, वो आप प्लीज़ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो कि आपको बस 20 मिनट लगने वाला है, ये 20 जो भी आपको मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उनके आप फॉर्मूला निकालो और उसको आप चिपका दो, आपका DBT क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइडिंग होते हैं और न्यूमेरिकल्स बच्चों से नहीं बनते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप भी अवॉइड करोगे कि न्यूमेरिकल सर एक हटाओ छोड़ दो, थोड़ा अगला देख लेंगे, लेकिन अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से 10 क्वेश्चन भी अगर आप हिट कर देते हो तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो गाइज यही होता है, 234 मार्क्स इस बार कट, 233 मेरे आए थे मान के चलो, और 236 कट ऑफ गई थी, 233 में भी नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो ये ऐसा ही है, तो थोड़ा आप करोगे तो हो जाएगा। 14 नंबर किन सेलेक्शन रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म का R इज ग्रेटर देन CB वाला फॉर्मूला है, उसको देखना और R की वैल्यू, CB की, C की वैल्यू, B की वैल्यू सब देख के एक बार फॉर्मूला आप सॉल्व करना क्वेश्चंस कुछ भी मिले तो। सुपर क्वाइलिंग ऑफ DNA में बेसिकली लिंकिंग नंबर जो होता है उसके दोनों कॉम्पोनेंट रिथ नंबर और ट्विस्ट नंबर में आप रिलेशन बना के और उसके बाद आप ये थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना पता चल जाएगा। चारगाफ्स रूल बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस मिलते हैं कि A इक्वल टू इतना, T इक्वल टू जितना, तो जी कितना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सेल साइकिल इसमें बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट में वो घुमाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, अगर आपको पता है कि कौन से चेक पॉइंट के बाद में हैप्लॉइड जो है डिप्लॉइड बनने वाला है तो आप यहाँ से कर पाओगे। वो बेसिकली आपको क्या करेंगे, क्वाड्रपल कर देंगे, जैसे कि आपको मान लो 20 पिकोग्राम दे दिया, 20 पिकोग्राम को आपको 80 पिकोग्राम दिखा रहे हैं, वहाँ पे कहीं पे 40 दिखा रहे हैं, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। तो हमेशा याद रखना कि डबल होते हैं और जो डबल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एस फेज के बाद होते हैं, तो वो आप यहाँ पे याद रखोगे तभी आप कर पाओगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन तीनों का आप देखना, बॉम्ब कैलोरीमेट्री यूज़ करते हैं ना वो एक्सपेरिमेंट देखना, और इसका फॉर्मूला एक है बॉम्ब कैलोरीमेट्री का, वो आप देख के आप आराम से बता सकते हो कि क्या कैलोरीफिक वैल्यू है सबके, तो ये प्लीज़ याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल के क्वेश्चन में आप देखोगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से एंड BOD और CO2 का रेशियो जो है वो पूछते ही हैं, तो ये बायोटेक का एक तकिया कलाम क्वेश्चन कह लो, तो यही है, हर बार ये पूछेंगे, इसके बिना बायोटेक के क्वेश्चन अधूरे हैं, ठीक है। तो ये आप देखना, और ये सिर्फ बायोस्टैट में ही, बायोटेक में ही आपको मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेंगे, मतलब CSIR में नहीं मिलेंगे आपको, कभी कभी ICMR में दिख जाते हैं, लेकिन ठीक है आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंट्रल टेंडेंसी जो बायोस्टैट में आता है, बायोस्टैटिस्टिक्स में, तो ये आप देखना, मीन मीडियन मोड से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी मिल सकते हैं, और ICMR और CSIR दोनों में मिलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे M1V1 इक्वल टू M2V2 वाला फॉर्मूला जो है वो आप अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है, और डिफरेंट आप जो है आप मॉलिक्यूल्स के याद भी कर सकते हो एक दो के, जैसे NaCl हो गया, और ये सब जो कॉमन है इनके आप याद भी कर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, तो मैंने 8 टॉपिक्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के दिए हैं, प्लीज़ आप इसके भी फॉर्मूला साइड में रख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। होल्डिंग टाइम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हमेशा आप ये एकदम 8 टॉपिक्स जो है ना आपके जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि ये ICMR में तो समझ लो पूछे ही जाते हैं, और DBT में तो हमेशा मिलेगा आपको, तो ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आपको CSIR में भी गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन मिलते हैं, PH POH से तो हमेशा ही CSIR में क्वेश्चन पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी पूछा गया है। स्टोक्स लॉ बेसिकली जहाँ पे टर्बुलेंस बोलते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो कहाँ से होता है, तो रेनॉल्ड नंबर इज द थ्रेशहोल्ड, तो आप रेनॉल्ड नंबर स्टोक्स लॉ का बेसिकली आप फॉर्मूला याद कर लेना, जहाँ फ्रिक्शन ईटा इक्वल टू होता है, तो वो वाला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप दोनों ही देखना, मतलब एक तो पेयर्ड प्रोबेबिलिटी होता है जहाँ पे कि दो इकट्ठे उठाते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, दो डाइस को साथ में फेंका, दोनों डाइस पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये देखना, क्योंकि अब ये वाले क्वेश्चन आने लग गए, वो जमाना गया कि ये सिंपल प्रोबेबिलिटी पूछने लग गया।
परम्यूटेशन और कम्बिनेशन दोनों का फॉर्मूला आप देख लेना, फॉर्मूला याद रखोगे तो आराम से कर पाओगे, बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला देखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। परम्यूटेशन कम्बिनेशन तो समझ लो ट्वेल्थ का चैप्टर ही है, तो लेकिन आपको इसमें नहीं जाना, बस आप फॉर्मूला याद रखना। वर्क एंड टाइम बहुत सिंपल है, एक दो क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, क्या और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज, ये था आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जो आप अगर DBT और JRF और ICMR JRF में अपीयर हो रहे हो तो ठीक है। तो प्लीज़ आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना, ये आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अगर आपने मान चलो कि अगर बना लिए हैं अच्छे से एक चार्ट जिसमें कि आपको फॉर्मूला एक जगह मिल रहा है, सुबह उठ के आप एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम में। प्लीज़ आप इन सब की लिस्ट बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार 1000 बहुत नज़दीक है अब तो, अगर 1000 हो जाएगा तो फिर मैं भी मोटिवेट होऊंगा अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 200 सब्सक्राइबर्स के करीब बचे हैं 1000 होने में, तो टारगेट कंप्लीट होगा, अच्छी फैमिली बनेगी। थैंक यू गाइज़।